नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इंटरनेट के इस दौर में आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है। कभी किसी मासूम बच्चे की चंचलता और मासूमियत से भरी वीडियो और फोटोज लोगों का दिल जीत लेती है, तो कभी किसी की अश्लील एमएमएस वायरल हो जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ लोग मामूली विवाद के चलते आपस में भिड़ते नजर आते हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हाल ही में देखा गया जब उत्तर प्रदेश के बागपत में एक छोटी सी बात को लेकर कुछ दुकान वाले आपस में ही भिड़ने लगे। इस वारदात का वीडियो भी वायरल हुआ जिससे सभी के लोगों ने बड़े ही मजे लेकर देखा। हालांकि जब ये मामला यूपी पुलिस तक पहुंचा तो उन्होंने उन उपद्रवियों को पकड़ जेल में डाल दिया और अंदर उनके साथ खूब पावरी की। तो वहीं इस मामले में सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस हुआ तो वो है आइंस्टाइन चाचा, जिसके बालों के स्टाइल को देखकर लोग उन्हें आइंस्टाइन चाचा के नाम से कहने लगे। इस बीच अब एक और ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग ठीक वैसे ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस मामले की पूरी खबर क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में बुधवार सुबह फास्ट फूड दुकानदार और फोटोग्राफर के बीच लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उसके बाद दोनों गुट आपस में जमकर मारपीट करने लगे। मारपीट की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला, लेकिन उस दौरान किसी ने उस मारपीट का घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद वो काफी धड़ल्ले से वीडियो वायरल हो रही है। आइए आप भी देखिए वीडियो। तो देखा आपने कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये पूरा मामला थाना आत्मदौला का 100 फुटा रोड का है। यहाँ गुरु फास्ट फूड .com नाम से एक रेस्टोरेंट है। बता दे, नगला किशन लाल का रहने वाला एक फोटोग्राफर जिसका नाम शिव कुमार है, उसका लेन देन को लेकर रेस्टोरेंट के संचालक से विवाद हो गया। पहले संचालक और उसके बीच और उसके कारीगरों के बीच गाली गलौज करते हुए फोटोग्राफर को धमकाया। फोटोग्राफर ने जब गाली देने के लिए मना किया तो बात बिगड़ गई और बाद में रेस्टोरेंट संचालक और उसके कारीगरों ने फोटोग्राफर को जमकर पीट डाला। इस दौरान करची बेलन आदि से उस पर हमला किया गया। तो वहीं मारपीट देख तमाशा देख रहे लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने मारपीट का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।